90.4 FM रेडियो खांची प्रस्तुत करता है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के मतवाले राही। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे जनजातीय आंदोलन के नायक गोनो पिंगुआ को। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम झारखंड के उन आजादी के दीवानों को, आजादी के मतवाले राहियों को याद करते हैं, उन रणवाकुरों का स्मरण नमन करते हैं जिन्होंने देश का, राज्य का मान ऊंचा किया है, जिन्होंने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया है, जिन्होंने अन्याय और असत्य के विरुद्ध न्याय और सत्य का उद्घोष किया है। 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय समर में जनजातीय विद्रोह की आवाज थे गोनो पिंगुआ। जनजातीय विद्रोह का बिगुल बजाया कोल्हान के गोनो पिंगुआ ने। इतिहास के पन्नों में भले उनके क्रांतिकारी विद्रोही व्यक्तित्व को उचित स्थान न मिला हो, पर समय के कागज पर उनके संघर्ष, क्रांति और बलिदान की गाथा अंकित है, अमिट है। सिंहभूम जिले में 1857 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक हुए जनजातीय महाविद्रोह का नेतृत्व किया आपने। उनमें संगठन करने की अप्रतिम शक्ति थी। इस संघर्ष को इससे बल मिला, मजबूती मिली, सघनता प्राप्त हुई। पोराहाट और कोल्हान की उद्देश्यपूर्ण यात्राएं आपने की। सशस्त्र क्रांतिकारियों का एक मजबूत संगठन बनाया। लक्ष्य स्पष्ट था, इरादा पक्का था, धुन थी, जज्बा था आजाद होने का, बंधन मुक्त होने का। विप्लव पथ पर कदम चल पड़े बिना रुके, बिना थके, और गैर जनजातीय शासक अर्जुन सिंह के साथ जुड़ गए। क्रांति को गति मिली, गति को दिशा मिली, विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प मजबूत हुआ। कालांतर में अपने संगठन को विस्तारित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों द्वारा चाईबासा में भेजी गई सैन्य सामग्रियों को लूट लिया। गोनो पिंगुआ ने लूटी सैनिक सामग्रियों को राजा अर्जुन सिंह के पास भेज दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजी सेना की बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस जंग का नेतृत्व किया था गोनो पिंगुआ ने। 1857 ईस्वी के आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्सा थे गोनो पिंगुआ। जनजातीय समुदाय में जन विद्रोह की आग लगाने के लिए लोगों को एकजुट कर, संगठित कर, अपने इरादे के साथ सबको हम कदम बनाकर चलने की प्रेरक शक्ति थे गोनो पिंगुआ। अपार नेतृत्व क्षमता ने अपने समुदाय के लोगों के साथ राजा अर्जुन सिंह के ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को मजबूती दी। उन्हें भले ही गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा मिली, पर उनका विद्रोही व्यक्तित्व, उनकी दबंग प्रकृति और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के कारण 1857 ईस्वी के आंदोलन में उनकी महती भूमिका गौरवशाली है, प्रेरणादायी है, आनंददायी है। आजादी के इन मतवाले राहियों को हम अपनी स्मृति मंजिषा में सदैव जीवित रखें, क्योंकि वीरों का मरण नहीं स्मरण होता है। इसलिए कहते हैं कि कौन कहता है कि मर गए ये लोग, कौन कहता है कि मर गए ये लोग, वास्तव में कौम को जिंदा कर गए ये लोग। डॉक्टर कमल कुमार बोस की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजादी के मतवाले राही। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे। हमारा नंबर है 9472786904। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे शो की अगली कड़ी में 90.4 FM रेडियो खांची पे। जय हिंद।